नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। अगर आपको भी आईपीएल पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन का 32वां मुकाबला मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। पंजाब ने राजस्थान को जीत के लिए 183 रन का लक्ष्य दिया है। उसके कप्तान रविचंद्रन अश्विन 4 गेंद पर 17 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब की ओर से लोकेश राहुल हाईएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 3 चौके 2 छक्के की मदद से 47 गेंद पर 52 रन बनाए। सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में राहुल संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे। पंजाब के आउट होने वाले बल्लेबाज डेविड मिलर, मनदीप सिंह, निकोलस लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल रहे। राहुल ने आउट होने से पहले सीजन का 4था और आईपीएल का 14वां अर्धशतक लगाया। वे सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एबी डिविलियर्स के भी 4-4 अर्धशतक हैं। वे सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके सीजन में 387 रन हो गए हैं। गेल 22 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुए। आर्चर की गेंद पर विकेट के पीछे संजू सैमसन ने उनका कैच पकड़ा। जब वे आउट हुए तब पंजाब का स्कोर 5.4 ओवर में 38 रन का था। मयंक अग्रवाल 12 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हुए और ईश सोडी की गेंद जोफा आर्चर ने लॉन्ग ऑन पर उसका कैच पकड़ा। मयंक के पवेलियन लौटते समय पंजाब का स्कोर 8.4 ओवर में 67 रन का था। कैसी लगी ये जानकारी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।